नमस्कार दोस्तों, ग्रीन टेरेस हरियाणा चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज फिर से मेरे पास एक अंकल मोदक की एक वीडियो आई है जो कि बहुत अच्छी वीडियो है मियाज़ाकी मैंगो के बारे में और भी कुछ वैरायटी इस वीडियो में है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बंधुगण, मैं अंकल मोदक, मेरा नर्सरी का एड्रेस है बीरनगर रेलवे स्टेशन राधा नगर खालपाड़ा। आज मैं मैंगो दिखाने वाला हूं जो दुनिया का सबसे मशहूर मैंगो है जिसका नाम है मियाज़ाकी मैंगो। मेरे मदर प्लांट में बहुत से फल लगे थे लेकिन मैंने उनमें से कुछ ही फल रखे हैं। जिस तरह का भी फल मैंने रखा है वो फल मैं आज आप सभी के सामने दिखाने जा रहा हूं। मियाज़ाकी मैंगो मेरे पास ओरिजिनल वैरायटी का मिलेगा आपको और फल लगा हुआ कैसा है आप देखिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर मेरे पौधे में फल लगे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे कीमती मैंगो जिसको बोलते हैं मियाज़ाकी मैंगो। मेरे इस मियाज़ाकी मैंगो में थोड़ा सा कलर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये पत्तों की छाँव के नीचे था जिसके कारण इस पर प्रॉपर से धूप नहीं लगी और धूप ना लगने के कारण इस मैंगो का कलर थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का हो गया है। और ये जो काला काला आप देख रहे हैं दाग इसमें पड़े हुए हैं, इसका कारण ये है कि छोटी अवस्था में जब फूल में से मैंगो बनना स्टार्ट हुआ था तभी हमने कोई कीटनाशक इस पर मारना चाहिए लेकिन हमने नहीं मारा जिसके कारण ये काला काला स्पॉट आपको देखने को मिल रहा है। तो आज दोस्तों मैं आप सभी को दिखाऊंगा काट करके कि ये मियाज़ाकी मैंगो अंदर से कैसे होता है और खाने में भी कैसा होता है, ताकि आप सभी का जो बहम है शक है जितनी भी बातें हैं वो सब दूर हो जाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने इसकी समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक दूसरा मैंगो दिखाता हूँ जो कि मियाज़ाकी बोलकर मुझे दिया था लेकिन मेरा ये मियाज़ाकी नहीं निकला, देसी ठग लिया मेरे साथ। ऐसा आप लोगों के साथ ना हो इसलिए मैं आपको दिखाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे कि ये मेरा 3 फुट का पौधा है, मियाज़ाकी मैंगो पौधा बोलकर लिया था लेकिन मैं अब आपको इसका मैंगो दिखाता हूँ कैसा है। और ये देखिए ये 6 इंची ऊँचा है मिट्टी से, आम लटका हुआ है और मैंने ये प्लास्टिक इसलिए बांध रखा है क्योंकि ये एक फ्रूट फ्लाई मक्खी होती है जो कि फल के ऊपर बैठ करके वो उसके अंदर कीड़े छोड़ देती है जिसके कारण हमारा फ्रूट ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ये लिफाफा बांध रखा है। दोस्तों ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए ये थोड़ा गोल टाइप में हो गया है और पहले जो मैंने आपको मैंगो दिखाया था वो लंबे टाइप में था लेकिन ये मियाज़ाकी का जो असली रूप है वो लंबाई होता है, चाहे कम लंबा हो या ज़्यादा लंबा हो। किसी पौधे में कम लंबा भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन मियाज़ाकी मैंगो बिल्कुल गोल नहीं हो सकता। जैसे ये देखिए गोल के करीब है, देखिए गोल एकदम, और इस पर देखिए कोई कलर अभी तक नहीं आया है क्योंकि इस पर धूप नहीं लगती है, ये नीचे की तरफ है, इसमें कलर कभी भी नहीं आ सकता जब तक इस पर धूप ना लगे। तो ऐसा ही काम होता है दोस्तों कलर ना आने का। और मेरा जो पहले जो मैंने आपको मैंगो दिखाया वो भी थोड़ा सा कम उसमें लाइट लगी हुई है सूर्य की, इसलिए उसमें कलर नहीं आया। आशा करता हूँ कि नेक्स्ट अगले साल मैं आपको फुल रेड कलर का मैंगो दिखाऊंगा मियाज़ाकी। देखो ये तो एप्पल मैंगो, और ये है दोस्तों एप्पल मैंगो। एप्पल मैंगो का पौधा बाहर की तरफ मेरा एक पौधा था उसमें फ्रूट लगा था और उसमें लाइट लग रही थी सूर्य की इसलिए उसमें कलर आया था लेकिन फ्रूट फ्लाई मक्खी ने उसको छेद करके उसको ख़राब कर दिया, सड़ गया वो मैंगो। ये वाला जो मैंगो है ये अंधकार के अंदर है, नीचे की तरफ है, इसमें कोई धूप नहीं लगती और इसलिए ये मैंगो देखिए इसमें कलर नहीं आया है। प्लास्टिक मैंने इसलिए बांध रखा है ताकि इसके अंदर फ्रूट फ्लाई की मक्खी और ना जा घुस सके, मेरा मैंगो ना ख़राब हो। और ये देखिए मैंगो का बिल्कुल चेहरा कितना ख़राब हो गया है लेकिन साइज बहुत अच्छा है मैंगो का। ये देखिए दोस्तों एप्पल मैंगो मेरे हाथ से भी बड़ा है, मेरा हाथ देखिए
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा होगा, मेरे हाथ से भी बड़ा ये एप्पल मैंगो है। ये एप्पल मैंगो का पौधा आप अपने टेरेस गार्डन पे ज़रूर लगाएं। ये भी सिंदूरी कलर का कलर आता है इसके ऊपर, बहुत अच्छी वैरायटी का मैंगो है। इसका पौधा मेरे पास आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये है दोस्तों वर्ल्ड का सबसे विख्यात मशहूर मैंगो, मियाज़ाकी मैंगो। अब मैं इसको काटूंगा, काट कर खा कर टेस्ट करके देखूंगा अभी कैसा होता है उसका अंदर का कलर। देखिए अंदर से कितना सुंदर कलर है इसका। इसका कलर देखकर ही आप सभी दर्शकों के मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत से मैंगो अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क येलो कलर का होता है, लेकिन ये थोड़ा कम येलो कलर का है। और इसकी गुठली मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही पतला होगा, देखने में ऐसा लग रहा है। तो चलिए इसको पूरा काट के देखते हैं हम। मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है कि ये आम अभी तक ठीक से पका नहीं है, किसी कारणवश लगता है पेड़ से ये झड़क के नीचे गिर गया है, क्योंकि अभी इसका मुझे लग रहा है कि ठीक से नहीं पका है। इस मैंगो का अगर ठीक से पक जाता तो इसका बाहर का कलर अलग होता और अंदर का कलर थोड़ा सा अलग होता, यानी कि थोड़ा डिफरेंस कलर आता। और इसका छिलका बाहर का बिल्कुल ही पतला होता है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से उतर जा रहा है, निकल रहा है, देखिए कितनी आसानी से। चलो मैं इसको खा के टेस्ट करके बताता हूँ। वैसे तो खाने में बहुत ही मीठा है मैंगो, लेकिन काटीमोन और बनाना मैंगो जितना मीठा है उतना मीठा नहीं है। जैसे रेड पलमार अलग थोड़ा कम मीठा है, वैसे मीठा है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही मीठा नहीं है, मीठा है, लेकिन सभी आम का अलग अलग टेस्ट होता है ना, उसी हिसाब का ये मैंगो है मियाज़ाकी। बहुत अच्छा मैंगो है। और ये मैंगो आप अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं, इसका पौधा मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों मैं फिर से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से इसका छिलका उतर जाता है खींचते ही। और अगर ये ठीक से पका होता और भी ज़्यादा आसानी से निकल जाता ये छिलका। तो दोस्तों मैं लोगों को खिला के दिखाऊंगा कि ये कैसा मैंगो है, ये खुद ही बताएंगे। चलो मैं इनको एक एक पीस देना स्टार्ट कर देता हूँ मैंगो का, और उसके बाद देखते हैं इनका क्या रिव्यू आता है। ठीक है, सकाल देखी माठे जमीते पड़े आसे এখন এই অবস্থায় আমরা খেয়ে দেখছি আমটা কতটা মিষ্টি বা টক বা কীরকম আশটাস আছে নাকি একটু খেয়ে দেখো। আশ নাই সেমন, কিন্তু মিষ্টিটা এমনি সব ভালো, গন্ধ ভালো। মিষ্টি হলো হিমসাগর, ওই আম্রপল্লি কাটিমনেতে একটু কম, একটু কম। আচ্ছা তাছাড়া আম ভালো? আম ভালো। का कहने का मतलब है हिमसागर, लैंगड़ा, काटीमोन, बनाना मैंगो से जो मिठास थोड़ा कम है, लेकिन मैंगो बहुत अच्छा है। देखते हैं ये काका क्या बोलते हैं भाई साहब। जाकी जाकी हाँ आम हिमसागर तक मिस्टी एक तो कम मना एक मजले एक मिस्टी बेसि। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, जो मैं मैंगो इनको खाने के लिए दिया इन्होंने क्या रिव्यू दिया। ये काका भी बोल रहे हैं कि मैंगो अच्छा है, सेंट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन दूसरा जो काटीमोन बनाना हिमसागर मैंगो से मिठास थोड़ा कम है, लेकिन आम खाने लायक है। आशा करता हूँ कि अगली बार ये पेड़ में पकेगा और पेड़ का पका हुआ मैंगो खिलाकर दिखाऊंगा लोगों को। और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा और मीठा होएगा, क्योंकि ये अच्छे से पका नहीं है। ये देखिए दोस्तों ये है मियाज़ाकी मैंगो का वही गुठली, बिल्कुल पतली गुठली है। आप सबके सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वजन भी बिल्कुल ही हल्का है। बहुत अच्छा मैंगो है। आप सभी लोग दर्शक, देखने वाले जितने भी प्लांट प्रेमी हैं, गांव पेड़ पौधों के प्रेमी हैं, वो अपने घर की छत के ऊपर ये वाला मैंगो अवश्य लगाएं।